हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, क्योंकि आप लोग बहुत बार पूछ चुके हैं कि मैम जो अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका एडमिशन प्रोसेस कब शुरू होगा, कब उसके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होंगे और कम मार्क्स पे क्या हो सकता है। अगर हमारे CUET में कम मार्क्स आए हैं तो क्या हम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बहुत तरह के आपके कन्फ्यूजिंग से क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि लाओ एक छोटी सी ये यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब एक छोटा सा वीडियो बना के इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्लियर कर दूँ कि क्या इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, कब आने के चांसेज हैं या नहीं आए हैं, और कब क्या एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ हो सकती है, और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अला हॉस्टल और हर एक एक चीज़ के बारे में इसमें मैं क्लियर करूंगी। और छोटा सा ही वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, फटाफट से बता के खत्म करती हूँ। चलो, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद देखो ऊपर ही हेडलाइन बन के आ रही है, सारी हेडलाइन बन के आएगी, उसमें एडमिशन 2024 भी अभी देखो आगे करके आ रहा है, ये देखो आया। हम इस पर क्लिक कर देंगे ना, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो अभी इंटरफेस ओपन होकर आया था वही कुछ ओपन होकर आएगा। चलो कोई बात नहीं है, साइट ओपन नहीं हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। देखो यहाँ पे एडमिशन 2024 पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आया जैसा कि अभी आया हुआ था, ठीक है। अब हम पीजी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो पीजी एडमिशन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी यहाँ पे डाटा बच्चा पड़ा हुआ है ना, वो बच्चा सारा का सारा डाटा 2023 का पड़ा हुआ है, मतलब अभी 2024 में कुछ भी मतलब मक्खी भी नहीं इधर उधर कुछ भी हुई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब 23 तक का यहाँ पे सब कुछ डाटा दिया हुआ है कि 23 में ये हुआ वो हुआ। जब भी कुछ आएगा ना तो यहाँ पे डेट लिख के आ जाएगा, डिपार्टमेंट लिख के आ जाएगा, पर्टिकुलर चीज़ लिख के आ जाएगी और डाउनलोड लिख के आ जाएगा, यहाँ पे ही लिख के आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ ना पीजी काउंसलिंग, तो ये सारा सब कुछ बेटा किसका दिया हुआ है, 2023 का दिया हुआ है। चलो आओ एक बार हम देख लेते हैं, एक हम कट ऑफ लिंक फॉर ऑल पीजी कोर्सेज देख लेते हैं। आ जाओ, क्लिक करते हैं फटाफट से, इस हम पीडीएफ को डाउनलोड करके इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हम प्रीवियस अगर डाटे का एनालिसिस कर लेंगे ना, तो हम आगे आने वाले डाटा का एनालिसिस भी कर लेंगे, परेशान मत हो। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी साइट इधर उधर फ्लक्चुएट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी होगी तो हम इसको यहाँ से डिसकनेक्ट करके दूसरी साइट से कनेक्ट करेंगे, परेशान मत हो। चलो आ जाओ। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो लिंक थी कट ऑफ की, वो तो अभी उसकी साइट ही नहीं चल रही है, अलाहाबाद की थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। इसलिए आप रात में कोशिश करो कि रात में ये जो लिंक है उसको ओपन करो, शायद हो जाए। देखो यहाँ पे अभी जो हिंदी वाला ये एडोब स्कैन है, इसको हमने डाउनलोड किया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस रिलीज़ फॉर पीजी एडमिशन। अगर हिंदी में पढ़ना है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो डाउनलोड हुआ है वो अभी हिंदी में डाउनलोड हुआ है, एक बार उसको हम आपको समझा दे रहे हैं, समझ लो। उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे हुए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लाने हैं इन सब के बारे में। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ लेना, उम्मीदवार सीधे www.ecounseling.in लिंक के माध्यम से या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पीजी के लिए क्लिक कर सकते हैं। ये 23 के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो डाटा यहाँ पे है वो 23 का है। अब ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे जो ये 23 का डाटा है वो 24 में ये सारे रूल्स रेगुलेशन हट जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इस बार भी यही रूल्स रेगुलेशन रहेंगे कि ई काउंसलिंग पेज पर कई दस्तावेज जैसे 10th की मार्कशीट है और 10th प्लस 2 की मार्कशीट है, इन सबको अपलोड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से आप अपने ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स को देख करके क्लियर कर सकते हो कि बेटा वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट के लिए। मैंने ये देखा है, मैंने देख लिया है, पिछले कई सारे वीडियोज़ बनाए उस पर मैंने कई हज़ारों सारे कॉमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड ही मैंने प्रॉब्लम देखी है कि हाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मुझे ये क्लियर कर देना था कि यहाँ अभी कुछ भी ऐसी अपडेट 2024 की नहीं आई है, जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म तुरंत के तुरंत कर देती हूँ, ठीक है, तुरंत कर दूंगी। ओके, थैंक यू। और कुछ भी जानना है तो यहाँ पे देखो अभी कुछ साइट ही चलने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे अगर कुछ भी जानना है तो यहाँ पे साइड पे चले जाना, ये जो 3 lines बनी हुई है ना, 3 lines पे क्लिक कर देना, और आपको कुछ भी जानना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके समझ जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।